अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता कुकिंग सेंट्रल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम बढ़िया डेजर्ट की रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया बनकर सेट हो जाती है, और इसे आप जब खाएंगे बनाएंगे तो आपको यकीन होगा। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे वीडियो पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे 2.5 कप के करीब दूध, यानी इसे लीटर में हम नाप लें तो यह आधा आधा लीटर दूध है। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा लीटर के करीब दूध। इसमें हमें ले आना है बॉईल। यहाँ हमारा दूध बॉईल हो रहा है, जब तक अभी हमने रख दिया एक पैन। पैन में डाल देंगे हम आधा कप के करीब चीनी। इसे हम कर लेंगे कैरेमलाइज। आप देख रहे हैं हमारी शुगर एकदम कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। इसे हम थोड़ा सा टर्न करते हुए पकाएंगे। आप देख रहे हैं शुगर हमारी एकदम कैरमलाइज हो गई है। फ्लेम को कर देंगे एकदम लो, और हमारा जो दूध भी साइड में बॉईल हो गया है, अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है इसमें। एक हाथ से चलाना है इसमें, वापस से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। आप देखें कितना माशाल्लाह बढ़िया कलर आ गया है। ये खाने में इतनी मजे की और एकदम टेस्टी लगती है। आप इसे पुडिंग कहिए, पुडिंग कहिए, हलवा कहिए, डेजर्ट कहिए, जो भी आपका मन आए कहिए, लेकिन इसे बनाइए जरूर। ये बहुत ही खाने में एकदम मजेदार लगती है। आपके अगर मेहमान आ रहे हो तो आपने झटपट इस रेसिपी को बनाना है। बहुत ही आसान है, सिंपल रेसिपी है और खाने में उतनी मजेदार है। आप और इसे आप ठंडा ठंडा जब सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, और हमारी जो कैरेमल है वो भी अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। एक बाउल ले लेंगे। बाउल में डाल देंगे 2 अंडे। बस एकदम 3 ही चीजों से हमने इस डेजर्ट को बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत आसान रेसिपी है। इसमें डाल देंगे 3 से 4 ड्रॉप वेनिला एसेंस के। आप चाहे तो कोई और फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अभी हमने जो दूध गर्म कर लिया था वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे बीट कर लिया है। इसे रख देंगे हम साइड में। साथ ही में हम ले लेंगे एक बाउल, और उसके ऊपर रख देंगे हम एक स्ट्रेनर, और इसमें हमने पूरा स्ट्रेन कर लेना है। जो भी मलाई वगैरह होगी निकल जाएगी एक्स्ट्रा। यहाँ ले लेंगे हम छोटे छोटे बाउल। बाउल में डाल देंगे हम हमने जो मिक्स तैयार किया था, सारे बाउल हमने फिल कर दिए हैं। हमने इसे रैप कर देना है क्लिंग रैप से। हम ले लेंगे एक कैसरोल। कैसरोल में हमने अपने बाउल सेट करना है। अभी हम डाल देंगे 1 कप के करीब पानी। अभी हम कर देंगे इसको कवर, और मीडियम फ्लेम पे रख देना है हमने 15 मिनट स्टीम के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है। जरूर से ये डेजर्ट को ट्राई करना है। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइज, हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं गाइज इसके पीछे। तो आपने मेरी वीडियो को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।